सलाह हारे हुए की तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का आपको कभी नहीं हारने देगा हेलो एवरी वन माई नेम विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम दोबारा अपने इस सीरीज के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं वॉल एज दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्मार्ट पॉलिटी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने इसके अंदर दिल्ली से केदारनाथ की जर्नी में हमारा जो पार्ट ऑफ़ फंडामेंटल है, है आर्टिकल टू तो आज मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा बाकी के आर्टिकल्स के साथ पुराने आर्टिकल्स के वीडियोस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर विजिट कीजिए ऑलमोस्ट वो कंपलसरी है आपके देखने के लिए क्योंकि

डिसबिलिटी मीन्स वेरियस फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी दैट आर प्रिवलेंट इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल मेडिकल डिसेबिलिटी की एक डॉक्टर ने मना कर दिया कि आई विल नॉट ट्रीट दिस पेशेंट बिकॉज ही इज अंटेबल ठीक है एवॉइडिंग द टच एंड शेडो ऑफ अट अन टचेबल ठीक है वो हो गया आपका सोशल डिसेबिलिटी है ना मेडिकल डिसेबिलिटी सोशल डिसबिलिटी डिसेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक यूटिलिटी है ना मार्केट डिसेबिलिटी रेफ्यूज टू सेल हिम गुड्स एंड सर्विसेज

तो अब आप रास्ते में है यू आर गोइंग टू केदारनाथ आप उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं और काफी आगे पहुंच चुके हैं हरिद्वार से और आपको रास्ते में एक एक एरिया मिला एक सिटी मिली जिसका नाम है उत्तरकाश। तो वैसे उत्तरकाशी उत्तरकाशी वैसे साइड में भी रह जाता है बट उस रास्ते से भी आप जा सकते हैं तो उत्तरकाशी मिला, उत्तरकाशी मिला से आपको क्या याद रखना है दैट इज द अनटचेबिलिटी आर्टिकल सेवनटीन अनटचेबिलिटी जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है एक मिनट पहले और यू से उत्तरकाशी और यू से अनटचेबिलिटी तो ये पूरा एक ऑफेंस जो हमने

हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से टाइटल्स को एबॉलिश किया पहले तो हम वो समझते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एबॉलिश द टाइटल्स विच वर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स एज वेल एज द मुगल टाइम्स बिकॉज दे वर नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट और एक्सीलेंस ठीक है कि नहीं तो एट दैट टाइम जो मुगल्स और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे दिए थे राय साहब दीवान साहब युवराज है ना या फिर राय बहादुर Uh, और uh, आप कह है सकते हैं और भी बहुत सारे थे है ना तो सिवाय मानसिंह मेनी टाइटल्स को खत्म कर दिया गया आफ्टर वी आर हैविंग द मिलिट्री अकॉर्ड इन मिलिट्री अवॉर्ड एंड सिविलियन डेकोरे एंड सिविलियन नॉट द टाइटल्स दे डू नॉट क्रिएट एनी स्पेशल स्टेटस जब किसी को मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र शौर्य चक्र परम, परम विशिष्ट सेवा मेडल वीर चक्र मैनी अदर डेकोरेशन आर गिवन लाइक पद्म विभूषण भारत रत्न ये किसके बेस पे दिए जा रहे हैं दीज आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलेंस मेरिटोक्रेसी तो दे नॉट क्रिएट एनी स्पेशल स्टेटस और रैंक ठीक है हमारे मैंने आपको सिंपल बताया 1947 से पहले जो टाइटल्स uh, थे उनको एबोलिश कर दिया गया और जो अभी वाले हैं वो किसके ऊपर दिए जा रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलेंस एंड मेरिट

कि भाई राजा वाला टाइटल तो बिल्कुल एबॉलिश हो चुका है हाँ भैया हो चुका है आप उत्तरकाशी तक पहुंच चुके हैं अब आप आगे जा रहे हैं रास्ते में है तो आ, आ, राजा वाले टाइटल के ऊपर बात हुई कि यार कोई राजा है तो आपके आप अपने दोस्त रेंज रोड में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके दोस्त ने कहा कि नहीं यार अब तो कोई राजा नहीं है पर हाँ दुनिया में एक राजा जरूर है और वो राजा रहेगा ही रहेगा भगवान महाकाल है ना महाकालेश्वर में जो हमारे शिव भगवान है वो तो भाई दुनिया के ही राजा है तो उन्होंने कहा कि ये कोई उनको एज ए सिविलियन अवॉर्ड मिलिट्री डेकोरेशन कुछ भी नहीं है वो स्वयं एक राजा है तो वहां से आपको याद रखना है एंड सेकेंड इज द वंस अपॉन अ टाइम दिहरी गरवाल वॉज ऑल्सो किंगडम इन टू द उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट जो टिहरी गढ़वाल शायद से आपको याद रहेगा टिहरी डैम से तो वो भी एक क्या हुआ करता था एक किंगडम हुआ करता था किंगडम से आप क्या याद रख सकते हैं दैट इज विद द आर्टिकल नंबर एटीन एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्योंकि अब कोई किंगडम नहीं है इंडिया में ठीक है ना कोई प्रिंसली स्टेट्स का कंसेप्ट नहीं है अब जितनी भी है सब इंडिपेंडेंट है और ऑल आर सॉवरेन कंप्लीट हम एक सॉवरेन सेटअप है ओके एंड वी वी आर आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर फॉरेन स्टेट तो आर्टिकल 18 को हमने दिल्ली से केदारनाथ की जर्नी में कैसे उतारा दैट इज आपने बात की कि यार लॉर्ड लो, शिवा है वो क्या वो खुद राजा है महाकाल भगवान तो राजा ही है वहां पे कोई और रात को नहीं रुक सकता महाकाल में उज्जैन में अगर शिव भगवान वहां पर वास करते हैं हम सबको पता है तो वहां पे कोई और राजा नहीं हो सकता और कोई रुक भी नहीं सकता वहां पे तो और दूसरा हमने उत्तरकाशी में टिरी गढ़वाल जो है ये भी एक वक्त क्या होता था एक प्रकार का ये किंगडम ही, ही था ओके तो ये भारत रत्न आप देख सकते हैं कि जैसा हमने इसको डिस्कस किया बट इट कैन नॉट बी सुफिक्सड और ठीक है तो यही बेसिक हमने आइडिया लिया इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में उट द आर्टिकल से आपको अभी दिल्ली से केदारनाथ की जर्नी समझ आ रही है और इवन अगर आप इस जर्नी को आई रिक्वेस्ट यू एक रजिस्टर में एक दो पेज पे लिख लेंगे ना जर्नी को टॉपिक को मत लिखिए जर्नी को लिखिए आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा दिस इज माई गारंटी टू तो यू गारंटी दे रहा हूँ मैं इसको कि आपको पूरा टॉपिक याद रहेगा सिर्फ हम जर्नी लिखते रहिए कि आप दिल्ली से केदारनाथ कैसे जा रहे हैं तो एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कॉड ब्लेस यू